नहीं, जैसे अभी हाल फिलहाल में राजस्थान में डीडवाना में केस हुआ है, दो दलित युवक को कुचल के मार दिया गया किसी जी दबंग के द्वारा, चाहे जी कोई गुंडा मवाली हो चाहे कोई दबंग हो, मैं कह नहीं सकता। हाँ लेकिन उसके बारे में कोई डेटा आया नहीं है, अभी तक न्यूज़पेपर में भी नहीं आया है कि ढंग से खुल के कोई बात नहीं आई है। तो जी आप जी लोग अगर इस मामले में थोड़ा विस्तारवाद से थोड़ा सा ये सब खुल के रखा करिए मामला, ताकि बिल्कुल लोगों को बिल्कुल पता चल सके कि हाँ भाई क्या मामला चल रहा है, क्या है जी। इसमें अब दो बातें हो विस्तार सकती है रूप ना, कि या तो हम उस एरिया में रहते हैं आसपास जो है, तो हम जाकर वहाँ उन लोगों की कवरेज कर लें, वहाँ पे अब इंटरव्यू कर लें। आज 4 दिन हो गए इस मामले में, इसीलिए मैंने आपको कॉल किया, नहीं तो बाकी और किसी मुद्दे में मैंने कॉल नहीं किया तो आज आप एक तक। काम कीजिए, इसका एक वीडियो बनाइए, उस पर सारी घटना का विवरण दीजिए, ठीक है। और सर मैं उस डीडवाना में रहता नहीं हूँ, मैं राजस्थान में रहता हूँ लेकिन मैं डीडवाना में रहता नहीं हूँ, इसलिए कोई मेरे यहाँ बात से कम नहीं, 200 किलोमीटर दूर है। कोई बात नहीं, आप जो है जो भी वहाँ साथी हैं जिनकी आप बता रहे हैं, तो उनसे बोलिए कि वो वीडियो बनाकर वो भेजें हमें, तो हम वीडियो लगा देंगे, ये आसानी से हो जाएगा काम जो है, ठीक है ना। ठीक है। वहाँ पे और लोगों का भी वो इंटरव्यू लेते हुए, लोगों से बातचीत करते हुए कि क्या घटना घटी, किसने किया है, पुलिस ने एक्शन हाँ, नहीं लिया है। आखिर मुद्दा क्या था यही नहीं पता चल पाया। वो दोनों लड़के गए वहां पे और वो सीधा चले गए, फिर पीछे से कोई गाड़ी आई कुचल दिया, इतना ही मुद्दा पता चला। अच्छा आखिर अच्छा कारण क्या था, आखिर उस दोनों के बीच में ना कोई बात हुई ना कोई विवाद हुआ, ऐसा कुछ आया नहीं सामने। लेकिन कुछ ना कुछ रंजिश होगी, कोई ना कोई कारण तो होगा, लेकिन कुछ कारण पता नहीं चल पाया है। और आप लोग क्या है, बहुजन समाज का ज्यादातर आवाज उठाते हैं, तो क्या जी है, आवाज उठाना बहुत अच्छी बात है। मैं तो चाहता हूँ कि जहाँ अन्याय हो वहाँ आवाज उठनी चाहिए। नहीं, ऐसा है ना कि देखिए मेरी बात सुनिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज झा हुआ। मनोज झा। हाँ सर। अच्छा, तो बहुजन समाज से हैं आप? नहीं, मैं बहुजन समाज से नहीं हूँ, लेकिन समाज से क्या होता है, समाज में कुछ ऐसा नहीं है, अन्याय अन्याय होता है, कोई समाज जी समाज नहीं होता हमारे में। तो हम तो इन चीजों को मानते नहीं, बाकी और लोग नहीं, मानते हो तो मानते। आप नहीं मानते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, लेकिन और लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं इसको, इसलिए मैंने पूछा था आपसे। अब शहर में तो सर मेरे हिसाब से हमारे जितने भी सर्किल में है कोई मानते तो है नहीं। अभी कई चीजों में इसमें भी थोड़ा सा हम लोगों को भी खटकता रहता है, हम लोग किसी से कुछ पूछते भी नहीं है कि आप किस बिरादरी से हैं किससे नहीं है। थोड़ा सा इस पे भी थोड़ा सा फोकस किया करिए सर, जी पॉजिटिविटी आती है हम देखिए, एक लोग। मैं आपको जो ना एक उदाहरण देना चाहूँगा, हाँ सर। डाकू अंगुलीमाल का उदाहरण है। हाँ, उंगली मार का उदाहरण है, डाकू अंगुलीमाल को जो है भगवान बुद्ध ने सुधार दिया, बिल्कुल सुधार सुधार कर दिया, भिक्षु बना दिया और उसको भिक्षाटन करने के लिए समाज में भेजा, बिल्कुल। और समाज ने जब उसको पहचाना तो उस पर ईंट पत्थर बरसाए और उसे लहूलुहान करके वापस भेज दिया, ठीक है। तो जब बुद्ध से शिकायत की अंगुलीमाल ने, तो बुद्ध ने कहा कि अंगुलीमाल सहन कर सहन कर, क्योंकि जो पूर्व के कर्म हैं वो तो परिणाम देंगे ही, है ना। इसी बिल्कुल तरह से जो हाई कास्ट समाज जो है भारत के अंदर, उसको भी इस तरह से व्यवहार करना चाहिए। जब उसको ये लोग जो है कुछ उल्टा सीधा कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, आरोप लगाते हैं, तो उनको इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि पीछे जो इतिहास में घटनाएं घटी हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए जो है उनको तैयार होना पड़ेगा कि हाँ भाई, ये लोग जो आरोप लगाएंगे और हमें इनके साथ में जो है किस तरह से व्यवहार करना है, इनके आरोपों को जो है स्वीकार करना है, और आगे से जो है वो ना हो घटनाएं, उसके लिए हमें जो है काम करना है। नहीं, समाज में क्या है पॉजिटिविटी सर, क्या है, मीडिया एक ऐसी संस्था है, मैं आप लोगों को मानता हूँ, चौथा स्तंभ है जो मानता हूँ, क्योंकि है संविधान के 4 स्तंभ है जिसमें से एक महत्वपूर्ण भूमिका है आप लोगों की, मानता हूँ मैं इस चीज को, ठीक है। और मीडिया ही एक ऐसा है जो कि आदमी में हीन भावना भी ला सकता है और चाहे तो खुशी की लहर भी दौड़ा सकता है, दोनों ही जी बातें हो सकती हैं। जी जी लेकिन जी ये है कि मैं ये मानता हूँ कि आप लोग अगर कोशिश यही रखें कि जहाँ अन्याय होती है वहाँ पे बिल्कुल 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 पहुँचे और लोगों को जागरूक कर सके कि देखो भैया ऐसा अन्याय किसी के साथ नहीं चलेगा, ठीक जी जी है, बिल्कुल चाहे वो राजस्थान हो, अच्छा है वो कहीं भी हो जी, भारत में, ठीक और है, मैं प्रयास हमारी करता हूँ। सहानुभूति रहती है हर एक व्यक्ति के जी साथ, जी ऐसी कोई जी बात नहीं है। जो अन्याय के, अभी जैसे कि मान के चलिए कोई मोहम्मदन है, तो मोहम्मदन के साथ में अन्याय हो जाएगा तो क्या हम बर्दाश्त होना जी करेंगे, जी जी तो ऐसा आप होना। हाँ हाँ, अगर वीडियो बनवा के भेज सकते हैं तो भिजवा दीजिए, हम लगा देंगे, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल ओके। बिल्कुल।